नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम गुना करने की एक शॉर्ट ट्रिक समझने वाले हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि 32 × 38 कितना होगा, तो आप बोलेंगे गुना करने में समय लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कोई समय नहीं लगेगा, आपका 2 सेकेंड में आंसर आने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ होगा 1216, ये होगा आपका आंसर। एक और देख लेते हैं, 97 × 93 कितना होगा, देखते हैं। 9021, ये होगा आपका आंसर। एक और देख लेते हैं, 118 × 112 ये कितना होगा। फिर से 132 और 16, ये होगा आपका आंसर। आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि याद करके आया हूँ, लेकिन नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ। समझाने के बाद आप भी इसको सिर्फ 2 सेकंड में बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे गुना करना हो आपको, इसमें एक कंडीशन क्या है कि अगर ये पहली संख्या दोनों टर्म में अगर बराबर हो तो ही ये लगा सकते हैं ये ट्रिक, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ देखा जाए तो 11 है, यहाँ भी 11 है। और एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि 8 और 2 जोड़ के हमारा 10 आना चाहिए। लास्ट वाला जो टर्म है उसको जोड़ के हमारा 10 आना चाहिए। 7 × 3 = 10, 8 और 2 = 10। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एकदम ईजी ट्रिक है। यहाँ से 3 3 बराबर है, इसको एक आगे बढ़ा दीजिए आप, 4 कर दीजिए, इसे गुना कर दीजिए। 4 × 3 = 12 और 8 × 2 = जो होगा 16 होगा। यहाँ आपने देख सकते हैं ईजी से आंसर आ रहा है। इसको भी उसी तरह एक बढ़ा दीजिए 10, 10 को 9 से गुना करेंगे 90 और 7 × 3 = 21। इसको भी इसी तरह 11 × 11 यहाँ से एक बढ़ा दीजिए 12, 12 को 11 से गुना करेंगे 132 होता है और 8 × 2 जो हम गुना करते हैं 16। ये शॉर्ट ट्रिक जो है आपका तभी काम में लगेगा जब आपका पहला जो टर्म है वो बराबर होना चाहिए और दूसरा जो टर्म है उसको जोड़ के 10 आना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक बढ़िया लगा होगा। गुना करने की बहुत सी ऐसी ट्रिक हैं, तो आपको और भी ट्रिक मैं लाऊँगा जिससे बढ़िया तरीके से आप गुना कर पाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।